अच्छा अपने तो विवेस में दिखी थी तो आई डोंट केयर टू टेक अ मैं भी आपके द्वार से बहुत अच्छे आज का जो मेरा ब्लॉग है और कल मैं जो ब्लॉग भी बनाया था जैसे एंसेस्टर भी आई हुई है और ये तेरे काम है ये सर की तबीयत भी सही है कौन काम करता है ऐसा और ये कैप्टन ने सर के लिए कपड़े वगैरह भी सुखाए वो मैं आपसे बाद में शेयर कर दी थी कि कल बहुत ज्यादा हल्के थे और ये सिस्टर आई हुई उनके भी बच्चे तो बस ब्लॉग नहीं बना सर की तबीयत में बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी तो अम्मी ने सिस्टर के हाथ देखे सिस्टर आई तो बड़े प्यारे से क्यों ना व्लॉग बनाया जाए तभी भी शोर्स भी रहेंगे। ये मेरी सिस्टर का बेटा है और एक ये सूट है। अच्छा जी तो जफर शॉप से आ गए हैं और ये सिस्टर का बेटा है और ये इस जफर जो इसको लेके अभी बाहर जा रहे हैं और ये ड्रेस है जी जो मेरी अम्मी ने भिजवाए और तीनों बच्चों को हमने एक जैसे पहनाए और ये अभी जा रहा है बाहर जी। तो ये मेरी सिस्टर की बेटी है जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था हॉस्पिटल में हम गए थे वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाए थे जाहिर है उसका ससुराल भी था तो हर कोई कैमरे के आगे नहीं आता और इन नानों ने ये भिजवाए कपड़े और तीनों बच्चों के हम लोगों ने एक जैसे पहनाए हुए और एजर जो यहाँ पे खेल रही है और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत बेहतर है और जैसे रात को भी फैन वगैरह नहीं हम चलाते तो कुछ बेहतर है और यहाँ पे छोटी सी गुड़िया हमारी सो रही है और जिनकी नानों ने भिजवाए कपड़े एजर के लिए और इसकी मासूम भी लेकर आई है और वो मैं आपको बाद में व्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि अभी मैंने बोले क्यों ना व्लॉग बनाया जाए नानों के कपड़ों के ऊपर तो पजामा भी इसका बहुत अच्छा है और दिखाना ज़रा। हाँ ये सात पजामा है इसका और ये हाई नेक बनी हुई है और तीनों के माशाल्लाह के एक जैसे हम लोगों ने कपड़े पहनाए हैं और छोटी सी मुनिया को दिखाती हूँ ये भी सो रही है और इसको सॉक्स पहनाए हुए और इसका भी ऐसे ही बिल्कुल सेम पजामा है और इसकी भी हाई नेक है। इस वजह से कल व्लॉग शेयर किया क्योंकि जाहिर है उसके भी दो बच्चे हैं एजर के भी तबीयत कुछ ऐसे थी तो हम लोग थोड़ा बिजी गए हैं क्योंकि बस ऐसे ही पूरा दिन बच्चों में निकल गया और कुछ बस ऐसे छोटे दिन है तो इस वजह से टाइम गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। इस वजह से कल व्लॉग नहीं था बनाया और पूरा दिन हमारी लाइट भी नहीं होती उस वजह से भी हम थोड़े बहुत जाते हैं डिस्टर्ब और मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पाते। और तो जब से सिस्टर की बेटी हुई है और जाहिर है वो अभी 2 मंथ की हुई है तो फिर वो भी आई है फिर मैं भी नहीं जा पाई क्योंकि हॉस्पिटल में ही हमारी मुलाकात हुई थी तो अभी वो आई है एजल को भी देखने के लिए और एजल के कपड़े भी लेकर आई है मैं आपको बाद में व्लॉग में दिखाऊंगी कि अभी इतना बिजी जा रही हूँ इस वजह से व्लॉग नहीं बना पाती क्योंकि कल भी मैंने व्लॉग नहीं डाला तो इस वजह से नहीं डाला थोड़ा बिजी जा रही है तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता बच्चों के साथ तो ये मम्मा ने कपड़े भिजवाए थे तो मैंने बोला क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और बस कल व्लॉग इस वजह से नहीं डाला तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था इस वजह से। यहाँ पे खेल रही है बालून के साथ एजल 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 अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है बहुत बेहतर है बस थोड़ा सा जुकाम और हल्की फुल्की खांसी अभी भी है एजल को हो रही है तो अम्मी भी इंशाल्लाह आएगी एजर को देखने के लिए तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और सिस्टर को कैमरे के आगे इस वजह से नहीं कह रही क्योंकि हर एक कैमरे के आगे नहीं आता तो ये वजह थी व्लॉग ना डालने की। अभी भी बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है व्लॉग बनाने के लिए और बच्चों को रेडी किया था तो मैंने बोला क्यों ना व्लॉग बनाया जाए तो बस कल यही वजह थी तो बहुत ज़्यादा थक गए थे बहुत ज़्यादा बिजी गए कल की रात भी पूरा दिन भी हम लोग ऐसे ही बिजी गए और मोबाइल भी चार्ज नहीं था और लाइट अभी भी हमारा कुछ पता नहीं लाइट हमारी जाने वाली है तो इस वजह से यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करती हूँ तो ओके व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।